शीतला माता मंदिर अंबाला छावनी में देर रात खड़ी रेड़ी में आग लगा दी, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। आग किसने लगाई ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। गनीमत रही कि उस समय रेड़ी में कोई नहीं था। रेड़ी पर जो व्यक्ति सब्जी का काम करता था, पीड़ित अशोक ने बताया कि वे 1970 से मंदिर परिसर में रेड़ी लगाते हैं और यहीं से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन देर रात किसी ने उनकी रेड़ी में आग लगा दी, जिससे सारी रेड़ी जलकर राख हो गई और उसमें रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। उनका कहना है कि किसी ने क्यों आग लगाई ये अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। फिलहाल उन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी है। वहीं पीड़ित के बेटे अर्जुन ने बताया कि यहाँ पर उनके दादा के समय से सब्जी की रेड़ी लगाते हैं और वे खुद कहीं किराए पर रहते हैं और उनके एक घर का सारा खर्च यहीं से चलता है, लेकिन रात को उनके पापा रेड़ी बंद करके घर गए तो देर रात किसी ने रेड़ी में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने आग को बुझाया। रात को मैं यहाँ पे 10:15 बजे रेड़ी बंद करके गया था। 1970 से हमारी यहाँ रेड़ी खड़ी होती है मंदिर के अंदर, और पहले हमारे यहाँ बाबूजी रहते थे, तो अब रेड़ी का काम हम ही संभाल रहे हैं। तो रात को किसी ने 10:30 बजे यहाँ पर आग लगा दिया हमारी रेड़ी पे। सवेरे में जब आया तो यहाँ पे आग लगी हुई। इस रेड़ी में अदरक लहसुन और हरी मिर्च लगाते हैं हम। इस सामान को ढका हुआ है तरपाल से, दो तरपालें ढकी हुई थी और उसमें सामान पड़ा हुआ था। कम से कम 20,000 का नुकसान मेरा हो गया। हाँ जी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हमने कंप्लेन लिखवाई है, बाकी इसकी कार्रवाई की जाए जो भी है। सर देखो जी, दुश्मनी भी हो सकती है, क्या पता किसी अज्ञात व्यक्ति ने कैसे लगाई है कैसे नहीं लगाई। पता है, ठीक है। ये मेरे पापा की रेडी खड़ी होती है यहाँ से। ये कमरा ले रखा है मेरे पापा ने यहाँ पे, मेरे दादाजी के टाइम का है। 1970 हो गए हैं, 1970 से यहाँ पे कमरा है। लहसुन अदरक हरी मिर्च का हमारा मेन काम होता है। पापा सुबह यहाँ पे आते हैं 10 बजे, रेडी लगाते हैं। रात को 10:30 के करीब यहाँ बंद करके हम किराए के मकान में रहते हैं, अंबाला छावनी में ही, वहाँ चले जाते हैं। तो कल रात को भी यही हुआ है कि रेडी बंद करी है, इसके अंदर सामान भी था हमारा, लहसुन अदरक हरी मिर्च तरपाले थी। ये रेडी आप पूरी देख ही रहे हैं, पूरी लकड़ी की रेडी है। पापा बंद करके गए हैं, रात को यहाँ पे आग लग गई है। यहाँ आसपास के लोगों रहने वालों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई है और इसको बुझाया है। सुबह हमें पता लगा है, क्योंकि पापा फ़ोन नहीं रखते हैं अपने पास, पापा के पास कोई मोबाइल नहीं है, किसी को घर नहीं पता, बिकॉज हम किराए पर रहते हैं तो साल दो साल बाद शिफ्ट हो ही जाता है मकान। सर कुमार मंडी में शीतला माता का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है ये। इसका तो पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ये है कि पापा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जो यहाँ की इंटरनल कमेटी है, जो यहाँ की अपनी कमेटी है, समाज है, कि आधा कमरा दे दो। कभी ये बोलते थे कमरा खाली कर दो। आसपास के कमरे भी ऊंचे हो गए और मेरे पापा कमरा भी नहीं हुआ। बारिशों के दिनों के अंदर गोटे गोटे पानी मैंने खुद 3 दिन रह के निकाला। यहाँ पे मैं चंडीगढ़ पढ़ाई करने जाता हूँ, छुट्टियां लेके मैंने पानी निकाला और आज ये रेडी आपके सामने है। यही मेरे पापा की रोजी रोटी है, इसी से मैं पढ़ रहा हूँ। सर प्रशासन आई थी, कंप्लेंट करी है, पुलिस के 2 बंदे आए थे, देख के गए हैं। देखो अब कार्रवाई किस हद तक जाती है। हाउसिंग बोर्ड थाना में हमने कंप्लेंट दी है, लेटर दी है लिख के, कि हमारे साथ ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अंबाला छावनी के कच्चे बाजार में शीतला माता मंदिर में देर रात मंदिर के साथ खड़ी रेड़ी में किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। रेड़ी धू धू कर जल गई और उसमें रखा हुआ सारा सामान भी जलकर राख हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।